फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, खासकर एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो खासकर जामिया, एएमयू, जेएनयू, एलयू, क्लैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेस्ट सीट है। आप देखते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ सॉल्ट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस। ऑप्शन सी, जेएल बेल्ड। Who among the following laid the foundation of nuclear science in the country? Option B, Homi J. Bhabha. The most abundant metal in the earth crust is aluminium. Of the following metals, which one used to pollute the air of a big city? Option C, lead. The element present in the largest amount of rocks and mineral is? Rocks or minerals mein बताना था जो एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी सिलिकॉन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। ऑप्शन सी लिथियम। ये गाइस जनरल अवेयरनेस का स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये आगे चल के भी आपको मेरी वीडियोस में दिखेगा। द मोस्ट मैल्युएबल मेटल इज़ ऑप्शन बी गोल्ड। बैलून्स आर फिल्ड विद ऑप्शन ए हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। ऑप्शन बी सल्फर। Which of the following is the lightest gas? Option B, hydrogen. अब ये देखिए, ये मैच द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम, मोस्ट मैलिएबल मेटल, अभी आपने देखा इसका आंसर गोल्ड, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रहा है तो इसका आंसर लेड है, लेड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 4312 वॉज द राइट पेयर। सो द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी रेफलीसिया। विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी? विटामिन डी, और इसे विटामिन ए दिया है और विटामिन सी। विटामिन सी तो गाइस स्कर्वी होता है, और विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं गाइज, इसका साइंटिफिक नेम भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस अपनी जनरल अवेयरनेस की वीडियोस में, आप ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट से, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग? ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया। द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज विटामिन सी। द पर्सन हु लिव्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिल्क एग एंड ब्रेड इज लाइकली टू बिकम अ विक्टिम ऑफ? ऑप्शन बी स्कर्वी। ये क्या है? फ्रॉम द बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू द ह्यूमन हार्ट इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ पिग। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बींग इज कैरेक्टराइज बाय द डीजेनरेशन ऑफ? ऑप्शन बी नर्व सेल। गाइज इसका ऑप्शन सी ना टिक करिएगा, ऑप्शन बी है। ये मोस्ट गलत होता है क्वेश्चंस, इसको ध्यान से देखिए। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। देयर आर अप्रोक्सीमेटली डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन डी 700। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली ऑप्शन बी हायर देन दैट ऑफ मैन। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ द ऑप्शन डी ब्रेन। Which of the following hormones contains iodine? Option D, thyroxine. Respiratory center is situated in? Option C, medulla oblongata. The pH of human blood is between 7.5 to 8. Two richest known source of edible protein are? Edible means those which are fit for, जो खाने के लिए अच्छे होते हैं, fit हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। गाइस इसका आंसर ए मत टिक करिएगा, मैंने मोस्टली पेपर्स में देखा था ए टिक था, बट इसीलिए मैंने इसको ऐड किया लास्ट में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गाइस अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो जनरल अवेयरनेस के और एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रूर विजिट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वाइडली शेयर करिए, और गाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।